खूंटे में ठीक है एक रमनाथपुरा में एक केस हुआ था हाल ही में, उसमें 11 जनों को पॉजिटिव निकला। तो जिसके घर में पॉजिटिव निकला उसकी एक दुकान यहाँ पे तिकलकुंटा चौरस्ते पे दही की दुकान थी। जैसा कि मालूम हुआ कि यहाँ दही की दुकान भी उन्हें चलाते थे, तो यहाँ पर दही की दुकान पे जो काम करता है उनको शक की बुनियाद पे कल लेके जाके चेकअप कराया गया। चेकअप कराने की बुनियाद पे उनको भी पॉजिटिव निकला। जैसा उनको पॉजिटिव निकलते ही हमारे MLA साहब बादूपुरा ने चौका चौके मेडिकल डिपार्टमेंट को उनको डिजीज को बोलना था, बोले तो आगे यहाँ तकरीबन जो बच्चे दुकान पे काम करते हैं और आसपास जो बच्चे दही वहीं ले गए वो तकरीबन 11 या 10 बच्चों को फिर लेके जा रहे हैं यहाँ पे चेकअप के लिए चार मीनार हॉस्पिटल। तो हमारे MLA साहब खासतौर पर तवज्जो दिए हुए हैं इस एरिया में जो भी रहते हैं साफ सफाई का ख्याल कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सैनिटाइजर का भी छिड़काव कराया गया है। मेरे साथ हमारे हन्नान साहब सांसद पुंटा कारपोरेटर और मेरे इब्तदाई सदर भी मौजूद थे। हम लोग यहाँ मिल के पूरा सैनिटाइजर का प्रोग्राम कराए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद है जो बच्चों को लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सेहतियाँ भी घर से वापस आए। उनकी फैमिली परेशान है तो हम खास तौर पे MLA साहब उनको भरोसा दिलाए के आपके बच्चों के लिए जितना भी सहूलत रहेंगी चारमीनार हॉस्पिटल में मैं खास तौर पे उनसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ के डॉक्टर से उनसे रब करके इंशाल्लाह ताला जो जो सहूलत देना है वो सहूलत दूंगा। बोले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तिकलकुंटा चौरस्ते पर आपका जो भी है लोग अपने घरों में आइए, क्योंकि ये वायरस जो है आप हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने की वजह से आ रहा है। जहाँ तक अगर अपन मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह ताला ये वायरस खत्म होगा। और आप लोग घर में रहिए, घर में रह के सेफ रहिए। आप अगर घर के बाहर निकलेंगे तो आप एक दिन अगर घर के बाहर निकलेंगे तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। एक से दो को असर हो रहा है, दो से दस को हो रहा है, दस से बीस को हो रहा है, बीस से मुश्किला पूरा एरिया हो रहा, पूरी बस्ती हो रही। तो मैं खासतौर पर तिकलकुंडा और तिकलकुंडा के आसपास के आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने अपने घरों में रहिए। कोई अहम काम है तो एरिया कारपोरेटर से, एरिया इब्तदाई कमेटी के सदरों से या एरिया MLA साहब से रब कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके बीच में रह के मुंबई से तैयार मुस्लिम काम कर रही है, आइंदा भी काम करेंगे। मैं खासतौर पर फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चों को ले जा रहे हैं आप हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो अल्लाह ताला उनको बच्चों को सेहत या भी सेवा अपने एरिया में एक बच्चा पॉजिटिव निकला इंडियन डेयरी फार्म में काम करते, नेटिव ऑफ पटना के निवासी। तो कल उनको चारमीनार हॉस्पिटल में टेस्टिंग करें, आज उनके जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है वो लोगों को अपन शिफ्ट करें टेस्टिंग के लिए शिफ्ट करें। कितने लोग बड़ा हो गया? 14 लोग थे। कितने लोग हैं कल? कितने लोग हैं अभी? तो इनका होने के बाद दे विल टेस्ट टुमारो। आज तिकलकुंटा चौरस्ते के ऊपर इंडियन डेयरी फार्म नाम का एक दही दूध की दुकान है। उस दुकान के मालिक को आज जो है 6-7 दिन पहले ही जो है उनके घर में पॉजिटिव आया था, उनकी वाइफ का भी इंतकाल हुआ था। उनके ही मुताले था ये दुकान रहने की वजह से, उन्होंने तो भी ऑलरेडी वो गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में उनको पॉजिटिव आने की वजह से उनको भी ले गया गया। उनके पास काम करने वाले मुलाजिम तो क्योंकि उनको जैसा पॉजिटिव आ गया मालूम हुआ था, हमारे मुताले था हमारे मदरिस तहतमीन के तमाम सदर मुदरों को मालूम हुआ था, पर उन लोग आके इतला दिए तो लोग पुलिस और मेडिकल डिपार्टमेंट को इतला दिए। वो लोग फौरन आकर उनको ले जाकर टेस्ट कराए तो उसमें टेस्ट में भी जो है बच्चा मुस्बत पाया गया, तो इसलिए फौरन यहाँ पर तो हम मुताले था तिकलकुंटे चौरस्ते के अतराफ अदरनाथ रहने वाले आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि अगर जो कोई भी पिछले 7-8 दिन के अंदर इस दुकान से दही या दूध अगर लेके गए हैं उन तमाम लोग वॉलेंटरली खुद आकर अपनी जो अपने से खुद मेडिकल करवा लेने में आपको भी सहूलत रहेंगी, आपकी फैमिली को भी सहूलत रहेंगी, आपके मोहल्ले के भी हिफाजत रहेंगी। क्योंकि अगर ये वबा, क्योंकि एक से दूसरे को लगने वाली वबा है, इसकी अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ और इसका एक ही इलाज है कि अपन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अपन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मुंह को मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपन एक ही इसका इलाज एक ही रहने की वजह से आप लोग इसमें ताउन कीजिए मोहल्ले के अंदर। और हर नौजवानों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि बिला वजह से आप बाहर फिर रहे हैं, हम देख रहे हैं बाला कई मरतबा हम लोग आप लोगों को अपील करने के बावजूद भी आप लोग नहीं सुन रहे, देख रहे हैं हेलो हेलो बाबा
फैलते जा रही है। ये मसला कैसा है बोले तो अपन पटाखों की लड़ी देखते हैं, उस लड़ी को एक पटाखे को अगर अपन आग लगाते ही पूरे पटाखों की लड़ी जैसा जलना शुरू हो जाती है, वैसे ही वबा का भी मामला वैसा है। एक आदमी को घर में होने, क्योंकि ये इंडियन डेयरी फार्म के जिसके मालिक के मकान में खुद उनको अकेले को होने की वजह से उनकी फैमिली में 11 आदमी को हो गया, और फिक्र करने की ज़रूरत है कि एक आदमी को होने से उनकी फैमिली के 11 आदमियों को पूरा हो गया। आप लोग भी मेरे भाई, आप लोग जैसा कि सदर साहब कायद मकराना अकबरुद्दीन ऐसी साहब हमारे एमएलए साहब की जेर निगरानी में तमाम भादरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर रात और दिन सदर और मोतमदीन को लेकर जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पिछले 22-23 दिन से काम कर रहे हैं और आगे भी दिनों में काम कर रहे हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है भाई लोग, आप लोग हिफाजत से रहिए, आपके आजू बाजू वालों की भी हिफाजत दरियाफ़्त कीजिए, हमारे महल्ले की, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की, सारे आलम के लिए दुआ कीजिए और आप महफूज रहिए, हमारी भी ये दुआ है।